नमस्कार, भारतवर्ष के द्वितीय प्रकाश पर्व की आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। द्वितीय प्रकाश पर्व मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पहला प्रकाश पर्व हम सभी लोग दिवाली के रूप में मनाते हैं और हम सभी जानते हैं कि इस दिन भगवान श्री राम माता सीता को लेकर लंका पर विजय हासिल करके अयोध्या आए थे। ठीक उसी तरीके कोरोना युद्ध के खिलाफ हमारे सुप्रीम कमांडर परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी भगवान श्री राम बन गए हैं, हम सभी के पालनहार बन गए हैं और उनका आवाहन हमारे लिए ब्रह्म वाक्य है। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग बाहर जा नहीं सकते, इसलिए मैंने सोचा मैं घर पर ही आटे के दिए बनाती हूँ, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम झटपट बनाते हैं आटे के दिए। आटे के दिए बनाने के लिए मैंने एक कप से थोड़ा ज़्यादा गेहूँ का आटा लिया है और इसको मैं पानी की सहायता से मार लूँगी। और ये हमें ना बहुत ज़्यादा लूज़ बांधना है ना बहुत ज़्यादा टाइट बांधना है। ये हमारा ऐसा आटा बन गया है, इसे हम थोड़ा चिकना कर लेते हैं। चिकना मीन्स इसको थोड़ा और इस तरीके से गूंद लेंगे। ये हमारा आटा बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको ऐसे इस तरीके से हाथों से ऐसे लंबा कर लेते हैं क्योंकि ये आटा बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी का बना है, ना ज़्यादा गीला है ना ज़्यादा नरम है, बहुत अच्छा है। तो हमें इसको बॉल काटने के लिए या रोल करने के लिए सूखे आटे की ज़रूरत नहीं है, ऐसे छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे इस तरीके से। इतने आटे से ये हमारी इतनी छोटी छोटी बॉल्स बनके तैयार हुई। अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट इनके दिए बना लेते हैं। तो ये मैंने एक बॉल ली, इसको ऐसे रोल किया, थोड़ा सा प्रेस किया और थंब का प्रेशर देते हुए इस तरीके से इसको बड़ा किया। अगर गोल नहीं हो रहा है, किसी दूसरे शेप का हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे इतना बड़ा किया और एकदम इसकी एज पे आके ऐसे अपना ये थंब रखा और पीछे की दो उंगलियों से इसको ऐसे दबा दिया इस तरीके से। अब ऐसे दूसरा बना लेते हैं, इसको बड़ा किया। किनारों को ऐसे प्रेस किया, इस तरीके से हमारे ये दिए बनके तैयार होंगे। तो हम बाकी सब आटे की इसी तरीके से दिए बना लेते हैं। हमारे ये दिए बनके तैयार हो गए हैं। अब अगर आपके पास घर में दिए में जलाने के लिए बत्ती नहीं है तो मुझे पता है घर के फर्स्ट एड बॉक्स में थोड़ी सी रुई तो पड़ी ही होती है, तो मैं आपको बत्ती बनाना बताती हूँ। ये हमने थोड़ी सी रुई ली और इसको इस तरीके से हम पतला पतला फैला लेंगे, एकदम धीरे धीरे करना है, एकदम सॉफ्टली ऐसे। अब हम इसको बीच से ऐसे तोड़ लेंगे। यहाँ पे मैंने ये घी लिया है, थोड़ा सा घी से थोड़े से हाथ को चिकना करेंगे और धीरे धीरे इस तरीके से ये बढ़ाएंगे और ऐसे ही रोल करेंगे ऐसे। अगर घी ज़्यादा हो जाएगा आपसे तो ये चिकना नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, हम इसे बत्ती में पोंछ देंगे, रुई में पोंछ देंगे और इसी तरीके से ऐसा दूसरी तरफ को भी ऐसे रोल करेंगे और फिर ये दोनों बत्तियों को पकड़ के ऐसे रोल कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए हमारी ये रुई की बत्ती तैयार है। इसी तरीके हमने जितने दिए बनाए हैं उतनी बत्तियाँ बना लेंगे। दूसरी बत्ती भी इसी तरीके से बना लेते हैं, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाया क्योंकि घी हमारे हाथ में पहले से ही था, इसलिए इस तरीके से चिकना किया, फिर दूसरी तरफ से ऐसे बढ़ाया, इसे ऐसे चिकना किया और दोनों को ऐसे ट्विस्ट दे दिया
ये हमारी दूसरी बत्ती बन के तैयार हो गई। इसी तरीके हमारे जितने दिए हैं हम बत्ती सब बना लेते हैं। ये हमारे बत्ती भी बन के तैयार हो गई है। अब हम इसमें मेल्टेड घी, जो हमारा घी था उसको हमने गैस पे मेल्ट कर लिया और ऐसे घी में डाल के रख लेंगे। इससे क्या होगा, रुई बहुत अच्छे से घी एब्जॉर्ब करेगी और हमारा दिया 5-10 मिनट जल जाएगा। इस तरीके से सारे घी में, सारे दियों में हम इस तरीके से घी डाल देते हैं। ये हमारे सारे दिए बनके तैयार हो गए हैं। मैंने इसमें बत्ती लगा दी है और घी भी डाल दिया है। साइज में थोड़े बड़े बनाए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 9 मिनट तक के लिए जलाओ। और देखिए आज 9 बजे दिए जलाने हैं, 9 मिनट के लिए जलाने हैं और एक कोइंसिडेंस कि मेरे दिए भी 9 ही बने हैं। आप पूरे दिल से प्रधानमंत्री जी को सपोर्ट करिए, अपने घर में रहिए, खुश रहिए। भारत माता की जय।